ये स्वीट बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक इनोवेटिव रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम पनीर और आटे से बनाएंगे। इसे आप पनीर बटन गुलाब स्वीट भी कह सकते हैं। इसे मैंने जब बना के देखा ये सभी को बहुत पसंद आया, सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए बनाते हैं पनीर बटन गुलाब। ये है पनीर बटन गुलाब के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले पनीर को हाथों से इस तरह से थोड़ा सा क्रश करते हुए ग्राइंडर में डाल लीजिए और एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लीजिए। पनीर रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। देखिए ये इस तरह का हो जाना चाहिए। अब इसी में 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 से 3 चम्मच पानी और फूड कलर। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। मैं यहाँ पे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ और पानी डाल दिया है। अब इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए फिर से पानी डालिए और एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। देखिए जब तक इस तरह की कंसिस्टेंसी ना आ जाए तब तक आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई या पैन में चीनी डाल लीजिए। जितनी हमने चीनी डाली है सेम क्वांटिटी में पानी डालना है और गैस पे इसे गर्म होने के लिए रख देना है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। एक तार की जैसी चाशनी होती है सेम वैसे ही इसमें केसर थ्रेड डाल दीजिए और उबाल आने दीजिए। साथ ही आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जैसे ही चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे, मीन्स एक तार की चाशनी बनने के पहले ही आपको फ्लेम को बंद कर देना है। चाशनी को मैं भगोने में पलट ले रही हूँ। पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लगा लीजिए और इस बैटर को इसमें भर लीजिए। देखिए इस तरह से जैसे हम व्हिप क्रीम डालते हैं सेम वैसे ही। साथ ही ऑयल या फिर घी जिसमें भी बनाना चाहते हैं उसे गर्म होने के लिए रख दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और इस तरह से फ्लावर्स डालते जाइए। जब हम इसमें डाल रहे हैं तो घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए जिससे हमें आँच ना लगे और बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स डालते जाइए। इन्हें तलने में 2 से 3 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इन्हें पलट पलट के हमें तलते जाना है और चाशनी में डालते जाना है। इस स्वीट को तलने के लिए कढ़ाई के बदले किसी फैलते हुए पैन का ही यूज़ करें, इससे घी भी थोड़ा कम लगेगा और बनाने में आसानी भी होगी। जैसे ही इस तरह का गोल्डन कलर हो जाए इन्हें चाशनी में डाल देना है। पर चाशनी में डालने के पहले चाशनी को एक बार फिर से गर्म कर लीजिए। चाशनी गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को बंद कर देना है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही इन स्वीट को चाशनी में से बाहर निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है। इसी तरह सभी स्वीट्स बनाते जाइए, चाशनी में डाल के निकालते जाइए और अलग से एक प्लेट में रख दीजिए। 1 से 2 घंटे के अंदर ये ऊपर से थोड़े ड्राई हो जाएंगे क्योंकि चाशनी एक तार की हो चुकी थी। जब आप चाशनी को डबल से गर्म करते हैं तब वो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसे आप फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख के खा सकते हैं। वाओ, देखिए दिखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।